हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेश कुमार एंड वेलकम टू एसकेसी, द सिंपलेस्ट एंड फनी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ये वीडियो नंबर 47 है क्लास 10th का रियल नंबर का। और आप चाहते हैं कि वीडियो शुरू से देखें पार्ट 1 से, तो प्लीज नीचे जाके देखें, लिंक में आपको मिल जाएगा, शुरू से देखें। और एलसीएम एससीएफ से रिलेटेड इसी टाइप का क्वेश्चन करना चाहते हैं पूरा, तो वीडियो नंबर 27 से लेके वीडियो नंबर 48 तक देखें, लिंक नीचे मिल जाएगा। आइए देखते हैं। द ट्रैफिक लाइट्स आर 3 डिफरेंट रोड Crossing changes after every 48 second, 72 second and 108 second respectively. If the all changes simultaneously at 8 am, then at what time will they again change simultaneously? Question में बोला है तीन traffic lights हैं और वो तीन ठो अलग अलग road पे लगे हुए हैं। अब ये traffic lights लगा हुआ है और ये बोलता है कि पहला road में जो पहला traffic light लगा हुआ है वो 48 second बाद change होता है, और दूसरा traffic light जो दूसरे road में लगा है वो change होता है आपका 72 seconds में, और तीसरा traffic light जो तीसरे road में लगा है वो change होता है 108 second में। तो आपसे बोला है कि 8 AM मतलब सुबह 8 बजे ये पहले बार तीनों एक साथ change हुआ, तीनों लाइट एक ही साथ चेंज हुआ है। अब आपसे बोला है कि अगला कौन सा टाइम होगा 8 बजे के बाद कि वो तीनों लाइट फिर से साथ में एक साथ चेंज हो, है ना? तो इसको निकालना बड़ा आसान है, पर थोड़ा सा समझाने के लिए पहले हम लोग एक काम करते हैं। यहाँ दो ट्रैफिक लाइट लिए हैं, सॉरी तीन ट्रैफिक लाइट लिए हैं, हम लोग दो ट्रैफिक लाइट लिख समझते हैं छोटा फॉर्म में, उसके बाद आप ये वाले को समझाएंगे उसके बाद। तो मान लीजिए कि फर्स्ट ट्रैफिक लाइट है वो 2 सेकेंड में अपना लाइट चेंज कर लेता है। अच्छा, अभी ट्रैफिक लाइट छोड़ दो, एलसीएम समझ लो। मान लो कि अगर हम 2 और 3 का एलसीएम बोले तो वो आएगा 6। 6 मतलब LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब 2 का टेबल जब आप लिखोगे तो 2, 4, 6, 8, 3 का टेबल लिखोगे तो आप देखना 2 का टेबल में तीसरे बार में 6 आ जाता है और 3 का टेबल में दूसरे टाइम में 6 आ जाता है। तो आप देखना कि LCM ना लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM क्या चीज था इन दोनों का, तो वो 6 था। 6 देखो सबसे पहले आ रहा है, मतलब 2 का टेबल में भी लोवेस्ट है और ये 3 का टेबल में भी देखो सबसे ऊपर है, लोवेस्ट है यानी लीस्ट है, सबसे छोटा है। तो एलसीएम मतलब दोनों का दोनों नंबर जो था उस दोनों नंबर का जब टेबल लिखेंगे तो टेबल में सबसे छोटा नंबर होगा एलसीएम। जिसे आप 2 का टेबल में देखो तो 2 का मल्टीपल तो बहुत सारा इनफिनाइट है, लेकिन 6 तीसरे बार में आ गया है। 3 का टेबल जब लिखोगे तो उसमें भी आप 6 जो है 2 टाइम्स में आ गया, तो दोनों में जो 6 है वो क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे कॉमन सबसे छोटा है जो कि सबसे पहले आता है, एलसीएम बोलते हैं इसको। अब इससे क्या बेनिफिट है, अगर भी मैं बोलूं कि एक ट्रैफिक लाइट फर्स्ट वाला है जो 2 सेकेंड में चेंज करता है और सेकेंड ट्रैफिक लाइट है वो आफ्टर 3 सेकेंड चेंज करता है, तो अब दोनों कब चेंज करेगा, मतलब दोनों कितना देर बाद एक साथ चेंज करेगा, तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले आप कॉमन दिमाग लगाओ कि क्या होगा। सबसे पहले जो हम लोग का फर्स्ट ट्रैफिक लाइट है वो 2 सेकेंड बाद चेंज होगा, यानी मान लो कि अभी चेंज हुआ है, फिर 2 सेकेंड बाद क्या होगा, 4 सेकेंड जब हो जाएगा उस टाइम चेंज होगा, 4 सेकेंड या 2 मिनट समझ, 4 मिनट समझ, 4 मिनट बाद चेंज होगा, लेकिन उस टाइम तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि 3 मिनट अभी, ये तो 3 मिनट में ना चेंज होगा, अभी 4 हुआ, एक बार तो चेंज हो चुका है लेकिन अभी दूसरा चेंज होने में टाइम है। दूसरा कब होगा, ये 6 मिनट में होगा, लेकिन ये दूसरा कब हो गया, 4 ही मिनट में हो गया। अब तीसरा बार ये कब चेंज होगा, जब टाइम 6 मिनट होगा, तो 6 मिनट होगा इस टाइम ये 3 बार चेंज होगा, लेकिन जब 6 मिनट होगा तब ये 2 बार चेंज होगा, 2 टाइम्स, लेकिन हम लोग को देखना है 6 मिनट बाद ये दोनों फिर एक साथ चेंज होगा। अब इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर देना हम लोग को, तो अब यहाँ पे आप देखोगे 6 क्या चीज था, एलसीएम था फर्स्ट और सेकेंड का, है ना? तो यहाँ पर मतलब इससे कंक्लूजन यही निकलता है, जो टाइम दिया उनका एलसीएम निकाल दो आंसर आ जाएगा, तो इससे हिंट यही मिला। अब इसी चीज को इसमें अप्लाई कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या है, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड, तो तीनों का प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे इस टाइप से। अब कर रखें आप द टाइम वेन दे चेंज साइमेंटेनियसली, एक बार या कभी चेंज हो गया, अगले बार वो कब चेंज होगा तीनों एक साथ,
तो वो क्या होगा, एलसीएम इन तीनों का, तो एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। अब 2 का एलसीएम, इसको एलसीएम निकालोगे तो 2 का पावर 4 लेंगे और 3 का पावर 3 लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 16 और 3 का पावर 3 मींस 27, इसको सॉल्व करो 27 इंटू 16 आएगा 432, 432 सेकेंड में ये सब तीनों लाइट फिर से एक बार चेंज होगा। तो अब इसको सेकेंड में था तो मिनट में डिवाइड करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 12 और क्वेश्चन 7, मतलब 7 ये क्या हम लोग का मिनट में ना कन्वर्ट करना, 7 मिनट और रिमाइंडर क्या है सेकेंड में हो जाएगा, तो 7 मिनट 12 सेकेंड बाद ये सब तीनों लाइट फिर से एक बार चेंज करेगा। तो लेकिन आपसे क्वेश्चन है टाइम पूछा था कितना बजे टाइम बताओ, तो बोला था पहली बार तो 8 AM पे चेंज हो चुका है, अब अगले बार कब होगा 7 मिनट 12 सेकंड बाद, मतलब इसमें जोड़ दो 8 मिनट में, 8 घंटे 8 AM में, तो अगला बार कब होगा 8:07 12 सेकंड पे।